हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से। तो अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया है, तो चलिए जी फटाफट से पहले बनाती हूँ नाश्ता, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बाकी ये मिल लीजिए आप बच्चों से। हाय रुई, हाय रुदु, हाय। 12:30 हो गया है और अभी मेरा पोछा बाकी रह गया, और खाना बनाना नहाना मतलब आधे काम रह रखे हैं। और ये देखो, ये कल जो दादा ने भुट्टे दिए थे, मैंने भुट्टे उबाले, ये देखो इतने हैं, 3-4 थे, एक दो मैंने एंजल के लिए दे दिए हैं और कुछ मैंने उबाल के रख दिए। तो एक तो रुद्दू ने खा लिया, एक नहीं आधा खा लिया है, और बाकी हम सब के लिए हैं आधा आधा। तो अभी मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, और रुद्दू खेल रहा है और रूही ना लेटी हुई है। तो शाम के अभी 7 बज गए और रूही खेल रही है, और खेल किस में रही बताऊं? ये रुद्दू ने ना केला खाया तो छिलका यहाँ पे गिराया, तो रुद्दू जी ने केला खाया और रूही उसमें खेल रही है। तो ये देखो, और यहाँ पे भाई साहब अब खा रहे हैं एप्पल, अपने आप लेते हैं और अपने आप खाते हैं। तो ये देखो, मैडम को ये खिलौना मिल गया। तो दोस्तों, दिन में ना मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो गया था, मेरे अचानक से ही सर दर्द होता है, और कोई बीमारी नहीं है अभी, बट सर दर्द की तो इतनी गंदी बीमारी है, आप लोगों ने देखा होगा। अधिकतर मैं बोलती हूँ ना, मेरे सर दर्द हो रहा है। तो आज भी मेरा इतना भयंकर हुआ, इतना भयंकर हुआ कि क्या ही बताऊँ। दवाई वगैरह भी मैंने ले ली थी, थोड़ा रेस्ट किया। तो अभी मैंने थोड़ा दिन के बर्तन करे, और फिर थोड़ा सा चाय आज बिस्टी ने बनाई, काली चाय पी मैंने, और वो भी ना जीरे के साथ। तो मुझे हल्का ऐसा लग रहा था कि मेरा सर दर्द जो है शायद गैस वगैरह से हो रहा है या किस चीज़ से हो रहा, तो मैंने हल्का सा जीरा भून के खाया। तो अभी थोड़ा सा ठीक है, एकदम ठीक नहीं है। और बिस्टी जा रखी है अभी सामान लेने, और क्योंकि सामान लाना था। और अभी बनाती हूँ मैं डिनर। तो ये देखिए, ठीक 7 बज रहे हैं और अभी मेरे को खाना भी बनाना है। तो इतनी हिम्मत तो नहीं हो पा रही कि मैं खाना बनाऊं, बट क्या करें, घर का ही बनाना पड़ता है मुझे। और आजकल ना आप लोगों को पता है कि श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध में तो बिल्कुल भी कहीं का बाहर का नहीं खाते, तो इसीलिए मैं अभी घर पे बनाती हूँ। तो दादा ने भेज रखी है गाँव से चचिंडे, तो आज मैं सोच रही चचिंडे की सब्जी बनाई जाए थोड़ा सा, है ना रूही? राधे राधे, राधे राधे। तो दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आज, और ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, पर बारिश नहीं होने वाली है आज। तो चलो फटाफट से काटती हूँ मैं सब्जी। तो दोस्तों, मैंने खाना भी बना दिया है, और अभी हो रहा है दूध गर्म, और ये बना दी है मैंने सब्जी चचेंडे की, बिल्कुल जखे के तड़के में। और ये काट दिए हैं मैंने खीरे घर के। तो अभी मैं लेने चलती हूँ नमक। तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ना, मैं गांव से मोरिया वाला नमक लाई थी, तो वो मैंने इधर डाल रखा है। और ये देखिए, दुनिया मसाले पता नहीं कब कब गिरा दिए। तो ये देख सकते हैं आप, अभी बिस्सी आ गए हैं, तो कुछ फल फ्रूट भी ले आए, और ये है सामान। तो ये सामान कल के लिए है, और ये देखिए पूरा है इसमें, आटा चावल चीनी वगैरह सब है इसमें, मसाले वगैरह ऑयल वगैरह सब है। रूही सो गई है, और रुद्दू ने यहाँ पे ये कबाड़ खाना खोल रखा है। और अभी ना दोस्तों, ये देखो यहाँ पे ये मैंने चावल भिगा दिए हैं। तो ये सब सारा सामान आप लोगों को मैं बता दूं कि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, और रुद्दू के दादा दादी का श्राद्ध है, तो हमारे यहाँ बोलते हैं तीत। तो कल तीत है, सास जी और ससुर जी की तीत है कल, तो उसी के लिए हम लोग सामान लाए। तो पंडित जी आएंगे सुबह, तो तभी सब कुछ काम धाम होगा। और अभी आप ना मेरा फेस देख के पता लगा सकते हैं कि मेरी आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मैंने बताया था मुझे सर दर्द हो रहा है। तो बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, फिलहाल हम लोग करते हैं डिनर। तो आज ना ये दूध ज़्यादा ले आए बिस्जी, क्योंकि कल खीर बनेगी, तो पूरा पतीला भर गया। अब हमने जब तक डिनर किया और अभी तक उबला नहीं है, तो मैं यहाँ पे खड़े होके दूध को देख रही हूँ, क्योंकि दूध तो ऐसी चीज़ है ना कि थोड़ा सा इधर उधर भटक गई अगर नज़रें, तो दूध ना गिर जाता है।
तो हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है और रूही भी उड़ गई है। हमारा सोने का टाइम है और इसका उठने का टाइम है। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। प्लीज़ चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अभी हमें सुबह कल जल्दी उठना है तो इसलिए हम लोग आज जल्दी सोते हैं। बच्चे अगर सोने देंगे, काफ़ी सारे काम है तो पंडित जी ने बोला है कि 8 बजे तक रेडी रहना, तो हम लोग सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, 5:30 या 6 बजे। तो चलिए जी, कल के ब्लॉग में बने रहिए, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, 7 बजे हैं मॉर्निंग के। तो मैं जल्दी उठ गई थी आज, 5:30 बजे मैं उठ गई थी, दूध वगैरह ले आई और थोड़ा सा मेरे रात के बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो आज मैंने कल आपको बताया था कि सास जी ससुर जी का आज श्राद्ध है, तो इसी के उससे हम जल्दी उठ गए थे। और जिससे अभी नहा रहे हैं और पंडित जी भी आने वाले हैं, तो पंडित जी भी आते हैं हमेशा और वो हमारे गांव के भी पंडित हैं। तो मैंने फटाफट से उठ के सुबह साली कढ़ाई में बन रहा है कद्दू की सब्ज़ी बन रही है और इसमें मैंने आटा लगा दिया है। बाकी थोड़ी सी बनाऊंगी मैं आलू की सब्ज़ी। और ये रहा, इसमें बन रही है खीर। तो माना जाता है कि जो हमारे घर की सब्जियां होती हैं उनको बनाना चाहिए। मैं जितनी जल्दी उठूंगी, मेरी बेटी ने सोचा रहता है कि मैं भी उठूँगी। क्या खा रही गंदी बच्ची? तो पंडित जी का फ़ोन आ गया कि मैं जल्दी से आऊँगा। तो ये मैंने थोड़ी सी फल फ्रूट और घर की तोरी थी और 2 ये मक्की रखी है। तो घर की चीज़ें काफ़ी शुभ मानी जाती हैं। और ये हैं तोरी के पत्ते। तो तोरी के पत्तों में हम रखेंगे इस पर खाना जो भी मैंने चढ़ाने के लिए बना रखा है। तो सब चीज़ रेडी है। ये आलू की सब्ज़ी बन रही है और इसमें खीर बन रही है। तो खीर भी हमारी बन चुकी है, काफ़ी बना रखी मैंने आज। और इसमें बन गई है कद्दू की सब्ज़ी और ये मैंने फ़िलहाल बना दी है पूड़ी। तो पंडित जी आ गए। स्मरण करो ओम अस्मत् पिता तथा सतिम तथा आशीर्वाद प्रार्थना पितृदेवता प्रसन्न पितृभूमि मानदानाम ग्राम से आशीर्वाद प्रार्थना पितृदेवता प्रश्नार्थी तर्पणम अहम करीष्ये। ओम देव ब्रह्मादेश्वरासुरवीरशेषोनगादय आगच्छन्तु महाभाग ब्रह्मांडो उदरवर्तिन ये यत्र भीतास्तत्र सावधाना भवन्ति। अभी यहाँ पे बिच्ची से मंगा दिया है पंडित जी ने, जो भी हमने बना रखा है जो भी चीज़ें। तो पहले पंडित जी वो चीज़ लेंगे और उसमें से ना 3 हिस्से करते हैं। तो एक गाय के लिए जाता है, एक डॉगी के लिए और एक जाता है कौवे के लिए। तो इसी के काम वो पत्ते आएंगे जो मैं तोरी के पत्ते लाई थी, तो इसी के काम आएंगे। और बिच जी रख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके और ये सब जाएगा पंडित जी के पास। तो ये देखिए पंडित जी थोड़ा सा कुछ पूजा वूजा करके और सब में बराबर रखवा रहे हैं 3 जगह। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो ये पत्ते इसी काम आते हैं और इसी में अच्छा माना जाता है इन पत्तों में। वो बड़े फैमिलियर रहते हैं, ऐसे नहीं है कि जैसे यजमान और ब्राह्मण वाला, वो ऐसे नहीं होते, संस्कारी लोग होते। छोड़ दे उसमें, तो मीठा भी बनाया कुछ आठ बजे तक हम लोग फ्री हो गए हैं और पंडित जी ने हमें पिठाई वगैरह लगाई है और चले गए हैं। तो रूही सो गई है और रूही उड़ गया है, ये देखो। तो इसको ना पूड़ी बहुत पसंद है तो मैंने इसके लिए भी पूड़ियाँ बना रखी है। बाकी अभी सारे घर के काम मुझे अब करने हैं और मैंने सोचा था सुबह ही जल्दी कर लूँगी, बट पंडित जी कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए हैं। और अभी हम लोगों को कन्या भी जिवानी है, तो सारे बच्चे ना स्कूल चले गए हैं। देखते हैं अभी
कन्या मिलती है या नहीं, तो फटाफट से पहले मैं घर के काम निपटाऊंगी। और जब तक रूही सो रखी है और नाश्ते में बनेगा, नाश्ता वैसे मैंने बना ही रखा है बट बिस्सी पूरी नहीं खाते तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा आटा बचा रखा है। हम लोगों ने सोचा कि उन्हें घर पे ही दे के आ जाएं, तो ये हमने दक्षिणा रख दी है और जो भी बनाया था थोड़ा थोड़ा हमने प्लेट में रख दिया है और सब बच्चों के घर पे दे के आ जाएंगे। तो एक हम रूही को जिमाएंगे, एक एंजल है और एक और है। यहाँ पे हमारी कन्या भी उड़ गई है और अब हम उसको भी यहाँ पे जिमाएंगे, तो पापा जी जिमाएंगे उसको। और ये देखो रूही कैसे देख रही है तो हम लोग भी अपने लिए खाना यहीं पे ला रखे और अभी उसके पापा उसको जिमा रहे हैं। तो ये लगेगा उसको टीका, तो चंदन का टीका लगेगा, वाइट टीका। ये देखिए रूही पता नहीं सुबह से देख रही है, थोड़ा थोड़ा खिलाना उसे। तो ये देखो कैसे देख रही है और कैसे खा रही है, तो थोड़ा थोड़ा रूही को बस चखाएंगे हम, ज़्यादा नहीं खिलाएंगे। और बाकी हम लोग भी ला रखे हैं यहीं पे नाश्ता, तो हम लोग भी फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, भूख भी लग गई है, 9:30 से ऊपर टाइम हो गया है। तो मैं अपनी प्लेट भी यहीं पे ले आई और अब खाते हैं हम लोग खाना। तो मेरे को तो कद्दू की सब्ज़ी पसंद है, तो इनको नहीं, इनको मैंने आलू की सब्ज़ी दे दी। और ये देखो इसे गलने लग गया रूही। तो दोस्तों अभी मैं आपको मिल रही हूँ सीधा शाम के 7:30 बजे और काफ़ी काम हो गए थे मुझे आज, तो मैं अभी 3 बजे के लगभग फ्री हुई मैं सब काम करके, लंच वगैरह करके। और फिर मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया तो काफ़ी टाइम लग गया। और आज आपने देखा होगा श्राद्ध था, दादा दादी के चीकू का श्राद्ध था आज, तो इसीलिए सुबह मैं मॉर्निंग में जल्दी ही उठ गई थी। फिर काफ़ी काम धाम किए मैंने, कन्या वन्या भी सब बिच्ची ने जिमा ली थी, इस दिन काफ़ी काम कर लेते हैं बेचारे मेरे साथ। और अभी शाम के डिनर की तैयारी हो रही है, तो आज मैंने घर के बैंगन काटे हैं, 2-3 बैंगन दिए थे दादा ने, हमारे लिए काफ़ी हैं ये बैंगन। तो आज बनेगी खाने में आलू और बैंगन की सब्जी। और दूरू ही खा रहे हैं अभी खीरा। क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? तो रूही आ रही है सब्जी गिराने के लिए। तो दोस्तों आज ना मुझे काफ़ी थक लगी है और फटाफट से डिनर बना के मेरा मन है कि मैं सो जाऊं, अगर बच्चे सोने देंगे तो। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और आजकल सबके यहाँ श्राद्ध चल रहे हैं, तो पितृ देवताओं का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। और मैं तो बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, तो मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ, जितना मेरे से होता है, जितना हमें पता है, इतना कभी पहले किया नहीं। पर भगवान मतलब पितृ देवता सब हमें सदबुद्धि दे देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम हमेशा अच्छे ढंग से करने की कोशिश करते हैं उनके लिए, क्योंकि जीते जी तो हम कर नहीं पाए। तो अब जब पहले से बना रखे हैं रीति रिवाज, तो क्या पता इस टाइम मिले उनको, है ना। तो हम कोई कमी नहीं रखते और आप लोगों को भी करना चाहिए। किसी न किसी के यहाँ तो होते ही हैं ऐसे पितृ देवता, है ना, किसी के दादा होते हैं, दादी होती हैं, किसी के मतलब कोई भी हो सकता है ना, तो करना चाहिए। ये टाइम उनका ही है और 15-16 दिन उन्हीं का टाइम है ये आजकल श्राद्ध में। तो हम लोगों ने प्याज वगैरह कुछ नहीं खाया आजकल, तो अभी बिस्सी ने श्राद्ध दे दिया है अपने मम्मी पापा का, तो आज मैं प्याज भी डालूंगी सब्जी में, काफ़ी दिन बाद प्याज डालूंगी सब्जी में। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ, मिलती हूँ किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।